चीजें इंसान को मोटिवेट करती है जिंदगी में। मोटिवेशन सभी के लिए अलग अलग होता है, मोटिवेशन की डिफरेंट किस्में होती है। जरूरत, पैसा, पावर, मोटिवेशन के सोर्स है, बता रहा हूँ आपको मैं क्या चीजें इंसान को मोटिवेट करती है जिंदगी में। पैसा मोटिवेट कर सकता है, मनी वेल्थ है, सक्सेस है, पावर है, अपने काम की पहचान है कि लोग मेरे काम को अच्छा समझे, अच्छा जाने, अप्रिशिएट करें। ये सब चीजें इंसान को आगे बढ़ने में असरअंदाज होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये तमाम चीजें जो है ना, वो आउटर सोर्सेस है। इंसान को मोटिवेट होने के लिए ये तमाम चीजें आउटर सोर्सेस है। मोटिवेट होने के लिए या किसी इंसान को अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए जो उसका इनर सोर्स है, इनर सोर्स क्या है? सेल्फ बिलीव है, खुद एतमादी है, और जिंदगी में जो हासिल करना है वो गोल को सेट करना है, उसको पहचानना है, और एक पैशन होना है। ये जो इनर सोर्स है मोटिवेशन के, वो ज्यादा मतलब कारगर साबित होते हैं आगे बढ़ने के। सेल्फ बिलीव जितना स्ट्रांग होता है इंसान का, किसी भी क्या, अगर मैं नेचर की बात करूं, कुदरत की बात करूं, मैं आपको एक मिसाल देकर समझाऊं। तमाम जानदारों में हाथी की किसामत सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। हाथी का जब बच्चा पैदा होता है तो वो यहाँ वहाँ भागता है, कोशिश करता है सब जगह भागने की। तो माँ बाप जो होता है उसको एक रस्सी से बांध देता है, उसके एक पैर को रस्सी से बांध देता है। वो एक रस्सी का थोड़ा सा टुकड़ा होता है, लेकिन उस वक्त उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि उसको वो छुड़ा सके या खींच सके। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो उसी रस्सी के सारे बंधा हुआ बड़ा होते रहता है। लेकिन आपको जब ये जान के हैरानी होगी कि जब हाथी अपनी पूरी सहमत का हो जाता है, उसमें भरपूर ताकत आ जाती है, फिर भी वो महावत उसको उसी रस्सी से बांधता है, फिर भी उसको लोहे से बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको एक सेल्फ बिलीव हो जाता है कि मैं ये छुड़ा नहीं सकता हूँ। बचपन से वो वही ट्रेन में बड़ा हुआ है कि वो एक रस्सी से उसको बांधा हो गया है और उस रस्सी को नहीं छुड़ा सकता है। तो बोलने का मतलब ये है कि हमको अपना सेल्फ बिलीव को स्ट्रांग करना है कि हम किसी भी काम को करने की क्षमता रखते हैं, महारत रखते हैं, हम इस काम को कर गुजर सकते हैं। ये जब हमारे अंदर जज्बा पैदा होगा तो कितनी मुश्किलात आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, तो इंशाल्लाह ताला हमको आगे बढ़ने में कोई दुश्वारी पैदा नहीं होगी। एट टाइम्स हम थोड़ा रुक कर चीजों को ओवरकम करने के लिए थोड़ा ब्रीथिंग ले सकते हैं, लेकिन अपना मकसद अगर हमारे सामने है, हमारे सामने चीज है कि हमको क्या हासिल करना है, तो इंशाल्लाह ताला हमको कभी कोई दिक्कत दुश्वारी पेश नहीं आएगी। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन को अगर मैं आपको एक और मिसाल तौर पर समझाऊं कि एक गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, या आप बोल दीजिए कि मर्सिडीज है, या BMW है, एक्स वाई जेड जो भी गाड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पे चलती है, लेकिन अगर उसके अंदर पावर नहीं है, फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है, तो वो गाड़ी का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो मोटिवेशन जो है वो जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो उस गाड़ी के लिए मोटिवेशन का काम करता है, आगे बढ़ने के लिए और अपनी जगह पहुंचने के लिए। तो ये जो चीजें होती है ये इनबिल्ट होने चाहिए, मतलब कि जो इंसान आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर से तहरीक मिलती है उसको, वो इस हिसाब से आगे बढ़ता रहता है। मोटिवेशन को हम और इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये लोगों के परफॉर्मेंस को, लोगों के जो एक्टिविटीज होती है उसको एक और अच्छे तरीके से किस तरह आगे लाया जा सकता है, काम करने के लिए उसको बढ़ावा मिलने के लिए किस तरह उस पर काम किया जा सकता है। बेसिकली अगर हम बात करेंगे, मैं समझता हूं कि दो चीजें हैं, एक है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी का एहसास होना, और एक है सेंस ऑफ ओनरशिप। जिम्मेदारी का एहसास मतलब कि आज हम किस जगह काम कर रहे हैं, हम किस इदारे में काम कर रहे हैं, हमें कोई पोस्ट दी गई है, चाहे वो मैनेजर हो, डिविजनल मैनेजर हो, या उसके ऊपर के और भी लेवल हो, तो जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो हमको यह एहसास होना चाहिए कि हम अगर इस इदारे में हैं तो यहां पर जो भी गलत होगा या कुछ चीजें ऐसी हो रही है, एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो इसका जिम्मेदार मैं हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे कोने, मेरे ब्रांच के किसी हिस्से में कोई स्टाफ से गलती हो गई तो मैं उससे बरी जिम्मा हूं, ऐसा नहीं है। यह जिम्मेदारी का एहसास हमको लेना होगा
being a in charge, being a manager or being a colleague, जो भी है कि हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो हमको जहां कुछ गलत हुआ या इस तरह काम हुआ कि हमारी परछाई ऐसी पड़ सकती है किसी के सामने के ये चीज गलत हो रही है, तो उसकी वो जिम्मेदारी का एहसास हमको होना चाहिए। ये चीज हमको मोटिवेट करती है, कुछ गलत काम करने से रोकने के लिए मोटिवेट करती है। एक दूसरी चीज है जो सेकंड स्टेप का है कि सेंस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का सेंस क्या होता है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, थोड़ा मैं बात करूं आपसे कि ये सोसाइटी किसकी है, बताइएगा कोई मुझे? हम सबकी है, ठीक है, ये सोसाइटी हम सबकी है। अगर आपके पास आपका मोबाइल है तो मैं आपसे पूछूंगा कि मोबाइल किसका है, तो ऐसा क्यों? तो आपने क्यों नहीं कहा कि सोसाइटी भी मेरी है? यह होती है सेंस ऑफ ओनरशिप। अगर आप इदारे में काम कर रहे हैं तो आपको यह सोच के चलना है कि ये इदारा मेरा है, यहाँ पर जो भी अच्छा होगा, जो भी फायदा होगा, जो भी ग्रोथ होगा, जो भी आगे बढ़ने के चीजें होगी, उसमें सबसे ज्यादा फायदा मुझे होगा। और अगर खुदा ना करता कुछ ऐसा हुआ कि सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम आया या तकलीफ हुई या कुछ नुकसान है, तो सबसे ज्यादा नुकसान मेरा होगा। ये सेंस ऑफ ओनरशिप होना हमें बहुत जरूरी है। हम ये दो चीजों पर अगर हम काम करेंगे, एक अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और सोसाइटी का जो भी नफा या नुकसान, जो फायदा होने वाला है या जो काम आगे बढ़ने वाला है, उसमें यह सोचना है हमको कि इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा मेरा है, सबसे ज्यादा योगदान मेरा है। नो डाउट हमारे पास हायरार्की है, हर कोई लेवल है, हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम जब मिलजुल कर ये काम करेंगे तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंसान को मोटिवेट करती है। मोटिवेशन के लिए और जो चीज है, अपने आप को जानना है कि हम अपने आप को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, क्या उसके फीचर्स हो सकते हैं, क्या उसकी इंसान किस तरह अपने आप को मोटिवेट कर सकता है या होता है, मोटिवेट किन चीजों से इंसान होता है। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है या फीचर है उसका, वो आपको बताऊं कि जिंदगी में एक मकसद होना, एक कॉज होना, ये सबसे ज्यादा इंसान को मोटिवेट करता है किसी भी चीज के लिए। तो उसकी जिंदगी का, उसके काम का कोई मकसद होना चाहिए और उस मकसद को हासिल करने के लिए जो वो काम करता है तो उसमें जो उसको तहरीक मिलती है वो आगे की तरफ बढ़ता है। अब इस चीज को अगर मैं अपने इदारे के साथ जोड़ूं, तो अगर हम हमारे बैतुल्नसर के रिवाइवल के बाद की बात करें, तो हमारे पास एक कॉज था, उस कॉज के बेस पर हमने काम करना शुरू किया, ठीक है। वो कॉज क्या था? इदारे की दोबारा शुरुआत और लोगों को जो पैसा हमारे पास उनका है उसको वापस करना, ये हमारा मेन मकसद था। तो वो मकसद हमारा इतना स्ट्रांग था, इतना हमने उस पर भरोसा किया था, तो जिसका नतीजा आप लोगों ने देखा कि किस तरह हम उसको डिलीवर कर रहे हैं। मतलब कि जितना मकसद हमारा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा हमको तहरीक मिलेगी कोई काम करने के लिए, बिल्कुल। इसी तरह हम अगर आगे बढ़ेंगे, मकसद जरूरी है मोटिवेट होने के लिए अपने आपको। मकसद जब जिंदगी में आ जाता है किसी चीज का, तो उसके बाद हमको उसको ड्रीम करना होता है। एक मकसद हमारी जिंदगी में आ गया, फिर हमको उसके लिए ख्वाब देखना है, लेकिन ख्वाब कौन सा देखना है? जागते आगो ख्वाब देखना है। हमको विजन बनाना पड़ेगा कि हमको आगे और क्या करना है, हमको कहां तक पहुंचना है। जिस तरह के मैंने बताया कि हमारा मकसद था कि पहले हम लोगों को पैसा बांटे, क्लेम को दे, और उसके बाद फिर हमने ये ख्वाब देखा। हमने क्या ख्वाब देखा? कि हमारी ब्रांचेस दोबारा शुरू हो, हमारे ऑपरेशन दोबारा शुरू हो। तो ये एक खूबसूरत ख्वाब था हमारे पास, जिसने हमको तहरीक दी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम किस तरह आगे बढ़े, किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, ये सब चीजें हमको तहरीक दी। कि जिस तरह हमारी पहली ब्रांचेस थी, हमारा इतना बड़ा नेटवर्क था, तो हमने उसको फिर दोबारा विजुलाइज किया कि हम वहीं तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला, और जितनी जल्दी पहुंचना चाहे हम उसकी कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक स्ट्रांग ड्रीम था जो हमको लेके आगे बढ़ा। तो मेरा बोलने का मकसद यही है कि हमको मकसद के बाद उस ख्वाब को ध्यान में रखना है कि इस ख्वाब को हमको हासिल करना है, और उसके लिए हमको जिस तरीके से काम करना है। और एक आप बात ध्यान रखिए, जब आप ख्वाब देखते हैं, आप अगर ख्वाब देखना चाह रहे हैं तो बड़ा ख्वाब देखिए, छोटा ख्वाब मत देखिए। इतना बड़ा ख्वाब देखिए लेकिन वो ख्वाब अचीवेबल होना चाहिए, अचीवेबल हो मगर बड़ा हो, मतलब कि जब आप सोचे तो बड़ा ख्वाब सोचे, ताकि आप पूरी तरह अपने आपको उसके लिए तैयार कर सके, उसकी सिर्फ में आगे बढ़ सके। अब दूसरा पार्ट ये आता है, हम ख्वाब भी देखते हैं,
हम मकसद भी देखते हैं, लेकिन उन दोनों चीजों को पूरा करने के लिए उसकी भूख भी होनी चाहिए। हमने हमारे पास एक मकसद भी है, हमने उसको ख्वाब भी देखा उसके लिए, लेकिन उसको हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगी, तो उसकी भूख होना चाहिए। और भूख ऐसा होना चाहिए कि जुनून की हद तक भूख होना चाहिए कि ये काम अगर करना है तो करना ही है। अगर हमको कोई टारगेट दिया गया है, हमको कोई गोल दिया गया है, कोई चीज हासिल करने के लिए कहा गया, जैसे कि हमारे डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, हमको मोटिवेशन टारगेट दिया जाता है, अभी हमारे कैंप्स के टारगेट वो चल रहे हैं, तो हम लोग को इतनी भूख होना चाहिए कि अगर हम सुबह कैंप के लिए आ रहे हैं या हमको काम के लिए इंस्ट्रक्शन मिला है कि इस काम को अंजाम देना है, तो उसको हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद हमको करनी चाहिए उसकी मैं आपको बात बता रहा हूं कि उसके लिए अपने आपको एकदम कॉज के लिए एकदम मखसूस कर देना है कि जहन में सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आप ये सोचेंगे कि अगर जिंदगी में मुझे कोई चीज चाहिए या हासिल करना है, बेशक हासिल करना, लेकिन वो कब हासिल होती है, जब हम ये सोचते हैं कि ये चाहिए तो चाहिए, यही चाहिए मेरे, तो इंशाल्लाह ताला तक वो होगा और जरूर होगा। हम सब मिलकर उसके लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, तो हमको जो हम जो चाह रहे हैं हमारा मकसद इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा इंशाल्लाह। और इसमें सबसे जो अहम बात यह है, हम काम करते हैं, बेशक हर कोई अपने अपने लेवल पर सब काम करता है, एक सिंपल सी चीज है, आप जो भी काम कर रहे हो ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने काम से प्यार करना है। अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, लव योर वर्क एंड देन यू डोंट हैव टू वर्क। आप जब काम से प्यार करने लगते हो, काम से मोहब्बत करने लगते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता आप 7 घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे काम कर रहे हो, 10 घंटे काम कर रहे हो, क्योंकि आप उसमें इस कदर महू हो जाते हो काम में, इस कदर उससे आपकी चाहत हो जाती है कि आपको एहसास नहीं होता। और बेशक सर मैं एडमिट करूंगा कि हमारी जो पूरी टीम है उसने कैंप में ये साबित किया कि हम सभी लोग अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, ये सभी जी हमारे स्टाफ ने इसको बहुत अच्छी तरह से साबित किया। और अपने मकसद को हासिल करने के लिए डटे रहे, तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि अपने काम से आप जितना प्यार करेंगे उसको आप उतनी अच्छी तरह से डिलीवर कर पाएंगे। एक चीज और आती है इसमें हमारे पास, टैलेंट। बेशक टैलेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक आदमी बहुत काबिल है, बहुत उसमें एबिलिटी है।